मजे का परिवार। आज तक तुमने मेरा बेहद प्यार देखा था, अब बेहद नफरत की बारी। दोस्तों इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कुशल टंडन की बेहद सीजन 2 में एंट्री हो रही है। जी हाँ, बेहद 2 के लिए आप सभी के लिए गुड न्यूज बता देता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक देखा था शिवन नागेंद्र और उनके साथ में आपने आशीष चौधरी जैसे कि जर्नीफर विगेट, मतलब इस तरीके की आप टीम देख रहे हैं और स्टोरी ठीक चल रही है। लेकिन कुछ ऑडियंस का मानना ये है कि ये ऑडियंस मतलब ये टीम ठीक भी है, लेकिन कुछ ऑडियंस का मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं इससे पहले वाली टीम ठीक थी और वो पहले वाली टीम कहीं काम भी ठीक कर रही थी, लेकिन जो पहली टीम को जिन्होंने कुशल टंडन को है वो कुशल टंडन को ही काफी मिस कर रहे हैं और कुशल टंडन के साथ साथ में अनारी को भी काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुशल टंडन जो एक किरदार निभा रहे थे अर्जुन शर्मा का किरदार निभा रहे थे, वहीं पर नारी जो निभा रहे थे वो सांझ का किरदार निभा रहे थे। सांझ का किरदार जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और उसके साथ साथ में बेहद की बात करें तो बेहद में आशीष चौधरी एक दमदार रोल निभा रहे हैं, जो कि एक बिजनेस मैन का रोल हुआ है। बिजनेस मैन के रोल में हालांकि वो सुपरहिट रोल रहा है और कहीं ना कहीं उसको हर कोई मिस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आशीष चौधरी और शिविर नागिन कर रहे हैं इस शो में, उससे कहीं ज़्यादा अकेले कुशल टंडन ने इस शो को संभाला था और कुशल टंडन की वजह से ही सीजन 1 सुपरहिट रहा था, क्योंकि कुशल टंडन को सबसे ज़्यादा इस शो के लिए मिस किया जा रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑडियंस इस शो को देखना नहीं चाह रही, क्योंकि जिस तरीका से इस शो की सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, सीजन 1 बेहद सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, इसी तरीका से लोग चाह रहे थे कि इसी तरीका से वो स्टार्टिंग हो, माया अपना बदला खाली अर्जुन से ले, लेकिन माया अपना बदला अर्जुन से नहीं बल्कि आशीष चौधरी की फैमिली से बदला लेती नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटे से वो प्यार कर रही है, दूसरे से नफरत कर रही है और उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देना चाहती है। इसमें काफ़ी सस्पेंस बना हुआ, जो कि सस्पेंस से पूरा भरपूर सीरियल हो रहा है। आपको एक मुख्य जानकारी और बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि कुशल टंडन इस टाइम फिलहाल विदेश की यात्रा कर रहे हैं और जो कि अभी इंडिया में है भी नहीं, और कुछ टाइम में सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्दी वो इस शो को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ज्वाइन किस तरीका से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपने जिस तरीका से सीजन 1 देखा था, सीजन 1 में कुशल टंडन और मिस माया मैडम की शादी हो जाती है और इनका इतना मतलब जो माया मैडम को अच्छा लगता है वो ही एक तरीका से अलग तरीका से दिखाया, माया मैडम को जो पसंद होता खाली उसी को ही पसंद होता है। कुछ चीज़ ऐसी दिखाई गई थी उसमें कि अगर उन्हें कुछ चीज़ पानी है माया मैडम को, माया मैडम का किरदार जो निभा रही है जन्नीफर विगेट, तो माया मैडम को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मतलब, और जिस चीज़ से उन्हें अगर नफरत है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। तो बेहद बेहद का मतलब एक अलग ही होता है, मतलब अगर कुछ चीज़ बेहद चाहिए तो बेहद ही है और नफरत है तो बेहद है, प्यार है तो भी बेहद है, ठीक है। इस तरीका से बेहद दिखाया था। और बेहद की बात करें तो बेहद में कुशल टंडन को किसी भी तरीका से नहीं चाहती कि वो किसी के फ्रेंड बने या किसी के साथ में रहे, क्योंकि वो बोलते हैं कि अर्जुन शर्मा खाली मेरा ही है। अर्जुन शर्मा और माया मैडम की केमिस्ट्री लोगों को दिल को छू गई थी और लोग इस तरीका से इस शो के कदरदान हो चुके थे कि किसी भी तरीका से इस शो को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से सीजन 1 हिट हुआ था। सीजन 1 हिट होने में काफ़ी लोगों के हाथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं सांझ का किरदार भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। जिस तरीका से अर्जुन शर्मा का किरदार आया था वहीं सांझ का किरदार भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। हालांकि माया मैडम की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो एक सनकी टाइप की रहती हैं, साइको टाइप रहते होते हुए भी उन्होंने काफ़ी हुए। लेकिन अब सीजन 2 में बहुत ही कुछ चेंजेस आपने देख ही चुके हैं जो भी अब एपिसोड आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को आज भी मिस कर रहे हैं। अर्जुन शर्मा के साथ में पूरी टीम को आज भी काफ़ी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी माँ को, सांझ की मम्मी को, सांझ के भाई को, और इधर बात करें तो अर्जुन शर्मा की बहन, अर्जुन शर्मा की माँ को, भाई को, तो पूरी टीम को ही याद किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी टीम एक सेंसेबल टीम थी और कहीं ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि बेहद एक सीरियल नहीं है दोस्तों, बल्कि बेहद एक सोच पर आधारित सीरियल बनाया जो कि सोनी टीवी का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शो में से गिना जाने वाला शो भी है ये। और इस शो के आने वाले बात करें तो इस शो की TRP काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अभी तक इसमें दिखाया गया था कि अर्जुन शर्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहद सीजन 2 में दिखा रहे हैं कि किससे नफरत कितनी हद तक हो सकती है। तो फिलहाल नफरत की पार्ट
दिखाया जा रहा है और लोग उस सीजन को काफ़ी मिस भी कर रहे हैं और काफ़ी याद भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जेनिफर विगट अपने लाइफ में काफ़ी आगे भी बढ़ रही हैं क्योंकि उनके पास में काफ़ी सीरियल में, ये तो आप बात आप भी जानते हो कि जेनिफर विगट का डिवोर्स हो चुका था उनके हस्बैंड से, जो कि आपको पता है करण सिंह ग्रोवर से। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने शो के थ्रू अपने लाइफ को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और हर एक कदम बढ़ा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें जेनिफर विगट को एक माया मैडम का रोल मिला है वो रोल के मुताबिक वो सही बैठ रही हैं और कहीं ना कहीं सही चल रही हैं। तो इसी तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, हर किसी की एक अलग चॉइस और अलग डिमांड से हो चुकी है और ये सीज़न आपका सुपर हिट इतना अच्छा हो जाएगा क्योंकि सीज़न टू, क्योंकि अगर इसमें कुशल टंडन की अगेन वापसी होती है। लेकिन कयास तो दोस्तों ये लगाए जा रहे हैं कि कुशल टंडन की इस शो में जल्दी से जल्दी वापसी हो जाए, बाकी अब इस सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी किसकी इसमें वापसी होती है। इसके साथ साथ में मैं बता देता हूँ आपको एक मुख्य बात जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि सीज़न वन के बेहद सीज़न वन और बेहद सीज़न टू के एक ही डायरेक्टर हैं जो कि एक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो वो इसमें हर तरीका का मसाला डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे इंटरनेट सीन देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फुल रोमांस से भरा सीज़न करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आए। और इसमें माया मैडम रोमांस करती भी नज़र आ रही हैं, जी हाँ आशीष चौधरी के बेटे से ये रोमांस भी करती नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों को कहीं हद तक भा भी रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट सीन हो माया मैडम का। तो माया मैडम का जिस तरीका से एक अलग ही स्वैग है, ठीक है, तो दोस्तों जेनिफर विगट जो एक किरदार निभा रही है माया मैडम के किरदार में वो सुपर हिट बैठ रही हैं। कहीं ना कहीं वो इधर आपको पता आशीष चौधरी के एक बेटे से तो फुल नफरत कर रही हैं, दूसरे से फुल प्यार कर रही हैं, ठीक है, तो फिलहाल इन पर जहाँ तक गर्जिस के बादल मंडराते नज़र आ पा रहे हैं क्योंकि माया मैडम से टकराना बहुत ही गंदा होने वाला है इन लोगों के लिए, ठीक है। और आशीष चौधरी की बात करें तो आशीष चौधरी की फैमिली को पूरा भुगतान करना पड़ेगा इस चीज़ का क्योंकि वो बोल चुकी हैं कि मुझसे टकराने वाले को हमेशा फुल भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरीका की स्टोरी आप लोग देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें ये तो हर किसी को ही अच्छा लग रहा है कि पुरानी टीम को काफ़ी मिस किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीका से पुरानी टीम थी वो लोगों को काफ़ी पसंद थी और किसी हद तक वो टीम को आज भी याद किया जा रहा है पूरी टीम को ही। लेकिन पूरी टीम के साथ साथ में मैं बता देता हूँ कि अर्जुन शर्मा को और सांझ को सबसे ज़्यादा इस शो में मिस किया गया है क्योंकि अर्जुन शर्मा और सांझ की वजह से ही सीज़न वन सुपर हिट हुआ था। सीज़न वन जो कि सोनी टीवी का सबसे पॉपुलर और टीआरपी की बात करें तो टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो था जो कि लोगों ने इसको काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट भी किया। इसके साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि सांझ का रोल इसमें इस तरीका से दिमाग में चढ़ा था पब्लिक में कि उन्होंने इस रोल को देखना हर कीमत पर चाहा था लेकिन वो रोल अभी देखने को नहीं मिला। और फिलहाल सांझ का किरदार निभाने वाली अनारी से बात हुई तो उन्होंने अभी मैंने कर दिया कि अभी मेरी इस शो में वापसी नहीं हो पा रही, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं इस शो में वापसी ज़रूर करूँगी। अब देख ले दोस्तों कि आखिर सांझ कब इसमें शो में वापसी करती हैं। सांझ के साथ साथ में इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक और भी रोल था अर्जुन शर्मा का, ठीक है, अर्जुन शर्मा का रोल इसमें कितनी जल्दी वापसी हो जाता है वो भी दर्शकों के लिए किसी सपनों से साकार होने जैसा है क्योंकि दर्शक ये चाहते हैं कि अर्जुन शर्मा की भूमिका बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आए, तो वो देखना ये दिलचस्प हो गया कि कितनी जल्दी उनकी सच्चाई और लोगों के सामने आती है, लोग कितने पसंद करते हैं उनके इस बिहेवियर को, इस रवैये को, ठीक है, तो ये लोगों के ऊपर है कि लोग कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की रियल लाइफ की बात बन चुकी है क्योंकि रियल लाइफ में भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं अर्जुन शर्मा के किरदार को और माया मैडम और सांझ के किरदार को, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिस किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो में से सीज़न वन और सीज़न टू आने वाले बन चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों शो को फुल सपोर्ट और फुल प्यार मिला दर्शकों का। अर्जुन शर्मा के साथ में जिस तरीका की बॉन्डिंग थी माया मैडम की, इस तरीका से एक अलग ही चीज़ थी क्योंकि रियल लाइफ की बात करें तो जेनिफर विगट और इधर कुशल टंडन आपस में काफ़ी अच्छे कपल्स के रूप में भी देखे जाते हैं क्योंकि गुड फ्रेंड तो थे, एक दूसरे के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल थे और एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम व्यतीत करते थे, वहीं पूरी टीम एक दूसरे के साथ में काफ़ी खुश थी और उसकी ही वजह से ये शो में एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग बनी थी और इसीलिए ये शो सुपर हिट हुआ था। लेकिन अब देखना यह है कि ये शो आखिर कितना सुपर हिट होता है और कितने इसमें होने वाला और क्या होने वाला, तो ये बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में खुल के आ जाएगा, तो आप इस चीज़ के लिए
तैयार हो जाइए। अगर आपको किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको आखिर मेरी जानकारी कैसी लगती है। मेरी जानकारी के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं जैसी भी आपको मेरी जानकारी लगती हो। और आपने हमेशा से ही मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए तो खैर थैंक यू। और हाँ, जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।